गाजीपुर जनपद से जहां कासमाबाद ब्लॉक में पहले दिन के नामांकन के लिए प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कासमाबाद विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारी का पहला दिन था। ब्लॉक मुख्यालय पर नामांकन करने वालों की काफी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरोना के चलते कोई लाव लश्कर लेकर तो नहीं आ सका, फिर भी भीड़ के कारण नामांकन केंद्रों पर कोरोना से बचाव के नियम टूटते रहे। शनिवार को सुबह 8 बजे से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी पद के प्रत्याशियों का अपने ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना शुरू हो गया। कोरोना नियम के अनुसार ब्लॉकों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक प्रत्याशी के साथ एक समर्थक को प्रवेश दिया गया। ब्लॉकों में बीडीसी और प्रधान के अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। नामांकन दाखिल करने के पहले दिन ब्लॉक में शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों की कतार लगी रही। इस दौरान ब्लॉकों में कोरोना से बचाव के लिए नियम टूटते दिखाई दिए, लेकिन प्रत्याशी और समर्थक चुनावी रंग में इस तरह रंग गए थे कि उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करने की याद ही नहीं रही। कासमाबाद कोतवाल श्याम यादव की अगुवाई में पुलिस चौक चौबंद रही। पुलिस ने बिना मास्क वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया। कासमाबाद ब्लॉक में आर ओ नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम प्रधान के लिए 664, क्षेत्रीय पंचायत के लिए 413, ग्राम पंचायत के लिए 147 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं आज नामांकन का दूसरा दिन है जिसके लिए नामांकन जारी है। वहीं जनपद के सादात ब्लॉक पर भी प्रथम दिन शांतिपूर्वक ढंग से नामांकन संपन्न हुआ। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थानाध्यक्ष सादात दिव्य प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष बहरियाबाद संजय कुमार मिश्रा मैफोर्स के साथ ब्लॉक पर मौजूद रहे। महिलाओं की सुरक्षा है तो महिला पुलिस भी मुस्तैद रही। कोविड 19 हेल्प डेस्क पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्कैनिंग एवं कोविड 19 जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। मनिहारी विकास खंड में भी मुख्य द्वार पर जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जा रहा था। वहां पर भी कोविड 19 से बचाव हेतु प्रचार प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र से किया जा रहा था। वहां पर भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से सकुशल संपन्न हुई। मनिहारी विकास खंड में कुंदरसीपुर में चुनाव मैदान में आई महिला इशरत खान ने बीडीसी पद हेतु नामांकन किया। वहीं जनपद में आज नामांकन का दूसरा दिन है जिसके लिए नामांकन जारी है। गाजीपुर से सरफराज अहमद के साथ अजीत मदनवाल की रिपोर्ट। किस पद पे? सफाई कर्मचारी। क्या नाम है आपका? राकेश मोहन। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप? हाँ। किस पद पे हैं? सफाई कर्मचारी। तो कहाँ पे ड्यूटी लगी इसमें? इस ब्लॉक पे लगी है, प्रांगण में। ब्लॉक के प्रांगण में है? जी, जी। तो कब आए ड्यूटी पे? सुबह 8 बजे। और कब तक रहेंगे ड्यूटी पे? 5 बजे तक। 5 बजे तक रहेंगे? जब तक संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाउद्दीन अहमद है। सबाउद्दीन अहमद, कहाँ रहने वाले हैं? मैं आराजी का स्वागत करने वाला हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं आप भी? जी। किस पद पे? ग्राम सभा सदस्य के पद पे लड़ रहा हूँ। बीडीसी के पद पे? हाँ, सदस्य, ग्राम सभा। ग्राम सभा सदस्य के पद पे लड़ रहे हैं चुनाव आप, बहरियाबाद से? जी जी। आपके समर्थक कहाँ है अभी? हमारे समर्थक हैं, लाइन में लगे हुए। लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम माता जी? क्या नाम है आपके? ननकी। ननकी, कहाँ घर है? मजुई। कौन चुनाव लड़ा थे आप? बीडीसी। बीडीसी लड़ा थे आप? अब आप आपके आराम करें कि चाहे बढ़ोतरी आ गया। बीडीसी लड़ा था का जब नाम ना दे ले। हाँ, तब अब चलिए ठीक है माता जी। यदि आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो आपकी कोविड जांच होगी, एंटीजन टेस्ट होगा। यदि आप एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपको तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाएगा या आप होम क्वारंटाइन होंगे। लेकिन यदि आपका नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आप पाए जाते हैं, तो आप स्वयं अंदर में जाए, अपने प्रस्तावक को भेज दें, प्रस्तावक भी आपका नामांकन कर सकता है। तो ध्यान दें, कोरोना से बचें।